नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं SM न्यूज। मेरे पीछे आप देखेंगे हजारों की तादाद में लोग यहां पर आए हैं, बौद्ध परिवार मिलन समारोह बनाने आए हुए हैं। इस प्रोग्राम को किसने रखा, क्यों रखा और आज इस प्रोग्राम को इतना बढ़ चढ़कर लोग क्यों मनाते हैं, हमारे साथ सुधीर जी हैं, हम जानेंगे। सर स्वागत है पहले तो आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और सभी श्रोताओं का और देखने वालों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। सर बताया जाता है कि ये जो कार्यक्रम था शांति स्वरूप बौद्ध द्वारा रखा गया था, मैं सही हूँ या गलत है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी भारतीय ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के जब प्रेसिडेंट थे तो उन्हीं के कार्यकाल में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके जो उद्देश्य थे वो यही थे कि पहले बौद्धों की जो संख्या थी बड़ी नगण्य थी तो आपस में एक दूसरे से परिचय नहीं हो पाता था। तो इस कार्यक्रम को आयोजित करने का, इस मेले को आयोजित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि आपस में जो बौद्ध परिवार हैं, जो अम्बेड करवादी परिवार हैं, वो आपस में एक जगह बैठें, मिलें, एक दूसरे का हालचाल पूछें, रिश्ते नाते भी बनाएं और आगे जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसे गति प्रदान करें, यही मुख्य उद्देश्य था। आज इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ चुकी हैं, पहले सिर्फ सिंपल तरीके से कार्यक्रम होता था लेकिन आज हम जैसे देखते हैं इसमें महिलाओं की भागीदारी, बच्चों की भागीदारी और युवाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम नमन करते हैं उनको। हमारे बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बोध जी थे, अब हमारे मध्य नहीं हैं, हमें इस बात उनकी कमी है, उनकी कमी कहाँ खलती है? आपको क्या लगता है कि उनकी कमी को कोई पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? देखिए उनकी कमी को तो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जैसा जो विद्वान है उनका स्थानी मुझे भारत में नज़र नहीं आता है। मैं सिर्फ दिल्ली की या उत्तर भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ कि बौद्ध समाज में, अम्बेडकरी समाज में बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी जैसा विद्वान अभी तक तो नहीं है। संभावनाएं हो सकती हैं, आगे हो सकते हैं लेकिन अभी फिलहाल की परिस्थिति में ऐसा विद्वान कोई नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। क्या कारण था जब बौद्धाचार्य शांति स्वरूप के सानिध्य में मैं भी रहा था और उनके कुछ शब्दों को नया ईजाद करते थे, नए कार्यक्रमों को निकाल के लाते थे, उनका रिसर्च जो था वह तमाम चलता रहता था। सुंदर जी मुझे नहीं लगता कि उनको कोई उनकी कमी पूरी कर पाएगा। वो एक इतिहास पुरुष थे, जैसे कहते हैं लोह पुरुष, वो एक इतिहास पुरुष थे। वो इस समाज का इतिहास जिनका उनको पता था शायद किसी को ना पता हो। वो हर बात के तर्क पर वो हर बताया करते थे कि इस कार्य अगर ये जगह थी तो हमारी किस तरीके थी, अगर वो नए नए कार्यक्रमों की खोज, नए नए शब्दों की खोज कि भाई ये शब्द हमारे नहीं हैं, ये हिंदूवादी शब्द हैं, इनको छोड़िए, महात्मा शब्द हमारा नहीं, हमारा तो शब्द महामना है। बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनकी उन्होंने खोज की और वो एक ऐसे इतिहास पुरुष थे कि आज उनकी कमी को कोई पूरा कर नहीं सकता। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भगवान तथागत उनके आत्मा को शांति। कमी तो हमेशा खलती रहेगी लेकिन उनके जो विचार थे, उनके जो बुद्धिजीवी विचार थे या उनका जो मार्गदर्शन था वह हमारे लिए काफ़ी नहीं है क्या, जो उन्होंने मार्ग दिखाया? यूँ अगर हम लोग बात कहें, यूँ तो बात बड़ी भी हो सकती है लेकिन समझने वालों के लिए बहुत छोटी भी हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें मार्गदर्शन दिया, माननीय काशीराम साहब ने हमें मार्गदर्शन दिया, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने आज तमाम ढेरों सारा इतिहास को रचने का कार्य करा, उसी कड़ी के अंदर शांति स्वरूप बौद्ध भी थे, तो क्या उनकी जो ढेर सारी किताबें हैं वह इतिहासों को पूरा करने के लिए काफ़ी हैं या और भी आपको लगता है जो उनका सानिध्य में जो उन्होंने कार्य करे वह भी अगर लोग समझें तो बहुजनों का उद्धार हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं, हो सकता है अगर लोग उनकी शिक्षाओं पर, उनकी किताबों पर, उनके विचारों पर अगर चलें तो एक बहुत कुछ हो सकता है जी। बाबा साहब के बाद माननीय काशीराम जी आए, बहन मायावती जी आई और जो उन्हीं विचारधाराओं को चलते हुए वो साहब ने जो विचारधारा आगे फैलाने का काम किया जी। वो समय प्रकाशन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे बच्चे उनके कि उसको उसी तरह से विचारधारा को चलाने का काम करेंगे। और ये समाज बुद्धिजीवियों का समाज है, ये भी समाज समझता है कि जो बोध साहब ने जो विचारधारा चलाई थी वो आज चलनी चाहिए, उनको आगे बढ़ाने का उनको मौका मिलेगा और वो मिलाते चलाते रहेंगे उस आगे समाज को। आपको नहीं लगता कि बुद्ध का प्रचार जो भी करे, जहाँ भी करे, जैसा भी करे लेकिन बुद्ध का नाम लेते रहना चाहिए? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि हम अकेले ही ऐसे नहीं हैं या बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी अकेले ऐसे नहीं थे या उनका सम्यक प्रकाशन भी अकेला ऐसा प्रकाशन नहीं था कि वो ही पूरी दुनिया की या पूरे भारत के बौद्धों की पूर्ति कर दे। इसके लिए उन्होंने खुद कहते थे इस बात के लिए
कि भाई बहुत सारे सम्यक प्रकाशन से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए और बहुत ज़्यादा किताबों का हमें संपादन करना चाहिए, नई नई खोज करनी चाहिए, जितने भी तथ्य छुपे हुए हैं बौद्ध धर्म के उनको निकाल के बाहर लाना चाहिए और किताबों का संपादन करके जन जन तक पहुंचाना चाहिए। ये हमेशा वो कहते थे, उनके अंदर कभी भी द्वेष की भावना नहीं थी कि वो ये कभी नहीं कहते थे नहीं मैं सम्यक प्रकाशन का संस्थापक हूँ या मैं ही किताब छापूँ और कोई किताब न छापे। वो आलोचक भी बहुत थे उनके उस वक्त, हमेशा आलोचना का कि उनके बात ये होती थी कि लोग कहते थे किताबें महंगी हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितना ज्ञान और जितना स्पष्ट ज्ञान और विशुद्ध ज्ञान हमें सम्यक प्रकाशन की किताबों से मिलता है वो हमें कहीं दूसरी जगह देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि बाकी जो लिटरेचर है चाहे वो हिंदू संस्थाएं छापें या हमारी कोई दूसरी संस्थाएं छापें उसके अंदर मिलावट होती है, ब्राह्मणवाद की और पुरातन पंथियों की विचारधारा उसके अंदर मिश्रित होती है, जबकि बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी ने जैसे दाल के अंदर से कंकड़ों को छांट छांट के अलग कर दिया जाता है उस तरह से सम्यक प्रकाशन में एक एक चीज़ एक एक किताब को उन्होंने छापा है। मैं नमन करूंगा उनको कि हजारों किताब, हजार से ऊपर किताबें छप चुकी हैं उनके सानिध्य में सम्यक प्रकाशन के माध्यम से, एक से एक बढ़ के किताबें हैं और आज बौद्ध धर्म का जो साहित्य जो लुप्त था आज विपुल मात्रा के अंदर आज सम्यक प्रकाशन द्वारा छापा गया है, तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा पूरे सम्यक परिवार को। आज यहाँ पे सम्यक प्रकार जो प्रकाशन है उसका परिवार तो यहाँ पर आया हुआ है, आप भी उनके परिवार से जुड़े हुए थे और आज पूरा देश उनके से जुड़ा हुआ है शांति स्वरूप बौद्ध जी से, तो कितना मिस कर रहे हैं उनको ये बताएं। देखिए उनकी कमी तो खलती है और हमेशा खलती रहेगी, क्योंकि हमारे ऊपर एक जैसे पेड़ की छाया होती है ना, बरगद की छाया, वो बरगद थे एक तरह से, हमारे ऊपर छाया बना के रखते थे और उनके सानिध्य में हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए। यहाँ पर आपको मालूम है यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया के माध्यम से हमने 3 बार तालकटोरा स्टेडियम के अंदर कार्यक्रम किया है, 3-4 बार हमने जंतर मंतर के ऊपर कार्यक्रम किए हैं और भी कई जगह हमने कार्यक्रम किए हैं और पूरे भारत में हम हमेशा उनके साथ में जाते रहते थे। लखनऊ गए, श्रावस्ती गए और न जाने कहाँ कहाँ, सारनाथ गए, भोपाल गए, इंदौर गए, नागपुर गए, ऐसी कितने दौसा गए, राजस्थान, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम उनके अंग संग साथ रहते थे। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि जो हमारे बौद्ध विद्वान हुए बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, डॉक्टर धर्मकीर्ति जी और मधुकर पेपलायन जी, मुझे इनका पूरा सानिध्य प्राप्त हुआ है, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है और जीवन भर मुझे गर्व रहेगा इस बात का। आगामी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी बुद्ध कोशी नाम प्रचार को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए या इस तरीके कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, आप क्या कर रहे हैं, मैं खुद आपसे जानना चाहूँगा। देखिए कारवां हमेशा चलता रहना चाहिए, बड़े बुजुर्गों ने भी, विद्वानों ने भी कहा है, ठीक है आज बौद्धाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी हमारे मध्य नहीं है और कई सारी विभूति हमारे बीच में से चली गई हैं इस कोरोना काल के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कारवां यहीं रुक जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने कहा है कि संस्कार अनित्य हैं, कोई भी चीज़ निरंतर नहीं रह सकती, तो हमें इस बात को भी अंगीकार करना चाहिए, हमें ये भी मान लेना चाहिए, तो हमें ये मानना पड़ेगा आज बौद्धाचार्य जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके जो बताए गए मार्ग हैं, महापुरुषों के जो बताए गए मार्ग हैं उस पर चल के हम बौद्ध धर्म के कार्य को और अम्बेडकर वादी में जो विजन है इसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास करते रहेंगे अपने साथियों के माध्यम से। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।